मोहम्मद है तकड़ लेह दर्जन का रहने वाला बसनीक यहाँ हूँ, लेकिन हमें पानी की बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट तो दावा करती है कि मैं गवर्नमेंट चलाता हूँ, हमें हो गए 6 साल पानी के लिए तड़पते हैं, बूंद बूंद के लिए पानी नहीं है हमें, क्या नहीं है पानी नहीं है। तो इन्होंने कुछ नल के बिजली से नहीं पर साल में लाए थे, वो इसी तरह रह गए। कोई ठेकेदार यहाँ नहीं आता, गाड़ी में पानी आता है वो उबल जाता है इससे धूप से, आज वो पीने नहीं बनता। इसलिए मेरी अर्ज है गवर्नमेंट से कि हमें पानी का ये मसला हल करे। जी मैं हल्का लेहन दर्जन से बोल रहा हूँ। तो हमारा मसला सबसे बड़ा मसला है जो वो पानी का है। तो हमने बहुत बार इससे पहले भी मीडिया को भी दिया था, हर किसी चैनल पे हमने दिया था, लेकिन अभी तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ है पानी का। तो हमारे जो BDC चेयरमैन है और DDC भी है, जो हमारा सरपंच है, सबों के पास हमने ये गुजारिश की थी पानी के बारे में, लेकिन अभी तक ये हमारा मसला भी हल नहीं हुआ है। तो हमारी मेहरबाना गुजारिश है सरकार से कि हमारा ये पानी का मसला हल किया जाए। सरपंच हल्का लीहन दर्जन से बोल रहा हूँ। आज यहाँ पे लोगों ने जो एहतजाज किया है PHG वालों के खिलाफ, क्योंकि पिछली 3 साल से हमें ये कहते रहा है आज नहीं तो कल आपका पानी का मसला हल हो जाएगा, लेकिन 3 साल से हम यही सुनवाई कर रहे हैं। हमारा जैसा मसला यूं का तू ही रहा, हमारे मसले की तरफ किसे नहीं कोई तवज्जो नहीं किया। आज आप लोगों ने देखा है यहाँ पे लोग एहतजाज सड़क पे उतर आया है, क्योंकि आज इस गर्मी के मौसम में आज इस साल 21 में भी हमें पानी नहीं मिला है। गवर्नमेंट कर रहा है, दावा कर रहा है हमें हर घर में हमने एक नल दे दिया, लेकिन यहाँ हमारे ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। इसलिए हम LG साहब से हमारी गुजारिश है, हाथ बांध के हम गुजारिश कर रहे हैं, हमारी तरफ पूरा तवज्जो किया जाए, अगर हम इसकी वेरिफिकेशन किया जाए, अगर हमारे यहाँ पे पानी का मसला सही है तो इसमें तवज्जो करके हमारा मसला हल किया।